अच्छा भाई दिन, कुछ दिन पहले जो हमारी रिसर्च टीम है उसके हमारे एक साथी ने मुझसे बात की कि मुझे किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पे मैंने इंडियन मसाला जात देखे हैं, तो उनसे पूछ रहे थे कि जी इंडिया के साथ तो तजारत पे पाबंदी है, तो ये क्या मामला है, इंडियन मसाला जात कैसे हैं हमारी मार्केट में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा तुम ये खोज लगाओ। तो उन्होंने फिर बाकायदा हमारी टीम ने कई दिन इस पे काम किया है कि पाकिस्तान में जो मसाला जात इस वक्त अवेलेबल हैं या इंपोर्ट होके आ रहे हैं या स्मगल होके आ रहे हैं, जी जी, ये मामला है क्या, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितने की स्मगलिंग हो रही है, कितने की इंपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान को उससे कितना नुकसान हो रहा है। तो यकीन करो कि जो फैक्ट्स सामने आए हैं ना वो कानों से धुआं निकाल देने के लिए काफी है। इन बायस शर्म है बसियत कौम हमारे लिए भी और हमारे इदारों के लिए भी, जिसमें बहुत सारे इदारे शामिल हैं। मतलब पता ये चला है कि ये जितने भी पाकिस्तान में मसाला जात आते हैं उसका 90% हिस्सा जो है, 90% हिस्सा वो स्मगल होके आता है, सिर्फ 10% मसाले जो हैं वो बाकायदा लीगली इंपोर्ट हो रहे हैं। 90% मसाला जात जो है वो स्मगल्ड आ रहे हैं पाकिस्तान में, कोई पूछने वाला है। और हुकूमत हर तीसरे चौथे दिन पूरे तमतराक के साथ ये दावा करती है कि जनाब हम स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बल्कि सुनने में ये भी आ रहा है कि कस्टम बॉर्डर फोर्स के नाम से एक स्पेशल फोर्स भी तश्कील दी जा रही है। और ये इसलिए भी हमें अब ये फोर्स बनानी पड़ेगी कि गालिबन ये FATF का भी मुतालबा है कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकी जाए और स्मगलिंग भी रोकी जाए। लेकिन ऐसे लगता है जब हालात देखते हैं तो मतलब हुकूमत को सब कुछ पता है लेकिन दीदा और दानिस्ता सब कुछ कर नहीं दिया जा रहा है। आपको वाली बार ऐसी नहीं है, आपको जेब में डाल के तो नहीं मसाले लाता ना, या फिर शॉपर में तो नहीं ले आता ना, कंटेनर के कंटेनर आ रहे हैं। आप इस मामले पे थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप लामहाला एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि मदर ऑफ ऑल स्मगलिंग जो पाकिस्तान इज अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट। ये बिल्कुल ठीक है, अफगान ट्रांजिट है, इसको क्यों नहीं मॉनिटर किया जाता, इसको क्यों चेक नहीं किया जाता, कौन सा ऐसा मसला फीसा गौरस है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, कहां पे कंटेनर खुलते हैं, कहां पे रिश्वत दी जाती है, फिर वो कहां से घूम घुमा के दोबारा पाकिस्तान आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और देखो नुकसान कितना हो रहा है कि हम मतलब एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 16 करोड़ डॉलर के मसाले जो हैं वो लीगली इंपोर्ट करते हैं, जबकि जो स्मगल होके आते हैं वो 1.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। 1.5 अरब डॉलर इलीगल स्मगलिंग और 16 करोड़ डॉलर सिर्फ जो है वो इंपोर्ट होके आ रहे हैं। अच्छा, उसके मुख्तलिफ रूट्स हैं, मतलब एक तो ये है कि आता है यानी कंटेनर आता है, एक जो बड़ा कंटेनर है काली मिर्च का, कौन सी मिर्च का जी, काली मिर्च का यार, काली मिर्च का, गौरी जाने दिया करो, क्यों डक लेते हो, अब तुमने रोक के पूछा काली मिर्च के हवाले से तो मुझे तुम काली मिर्च के कस्टम कलेक्टर लगना चाहिए। इसको जुगत खाने का, खाने का भी नशा हो गया, जैसे मधुबोर्ड सूंघने का नशा, ये जानबूझ के ध्यान पड़वाता है। नहीं मेरी बात, अब ये काली मिर्च का एक कंटेनर है ना जी, पाकिस्तान में जो मसाला जात पे काली मिर्च पे या दीगर जो इस तरह के मसाले हैं महंगे जो कीमती मसाले हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी और टैक्सेस लगते हैं वो 33% है, ठीक है, तो एक जो कंटेनर है उस पर ड्यूटी पता कितनी लगती है, एक कंटेनर पे 56 लाख रुपए, यानी अगर वो लीगली आता है तो हुकूमत के खजाने में 56 लाख रुपए आते हैं और अगर वो स्मगल होके आता है तो टका भी नहीं मिलता पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को नहीं ना मिलता, मगर जिस अफसर ने जाने दिया होता है उसे तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो कहता है मैं भी तो पाकिस्तान का ही अफसर हूँ, पैसे गिन के जेब छुपा के गा रहा हूं, मैं भी पाकिस्तान हूं तू भी पाकिस्तान है। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो मैंने बताया कि इतनी ड्यूटी का पाकिस्तान को टैक्सेस का नुकसान होता है, और तरीका सीधा सीधा ये है कि वियतनाम से या ब्राजील से मुख्तलिफ जगहों से जहां से कंटेनर आते हैं मसाला जात के, और सिर्फ मसाला जात क्या, मतलब अगर हम बारी बारी और इंशाल्लाह ताला हम ये पूरी एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे स्मगलिंग के हवाले से, आइटम टू आइटम जिक्र करेंगे कि और इनका सिर्फ वो रूट एक ही है,
स्मगलिंग का तरीका कार फर्क है, चेहरों का फर्क है, माफियाज फर्क है, लेकिन तरीका कार कमोबेश एक ही है। आता है कंटेनर यहां से अफगानिस्तान चला जाता है, अफगानिस्तान में 5% ड्यूटी है, वहां से फिर स्मगल होके वापस ट्रकों के जरिए पाकिस्तान में आता है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ईरान वगैरह से स्मगल होके बलूचिस्तान आता है, फिर चमन बॉर्डर के जरिए खच्चरों के जरिए 100-100 पैकेट और एक एक दो दो मन करके पाकिस्तान में आता है। एक और तरीका भी है, वो बहुत ही दिलचस्प है, कि अफगान ट्रांजिट के जरिए पूरा जो कंटेनर आता है अफगानिस्तान जाने के लिए वो पाकिस्तान में किसी एक पॉइंट पे एंट्री पॉइंट पे रोक के खाली कर लिया जाता है, सारे मसाला जात निकाल लिए जाते हैं, खाली कंटेनर वो अफगानिस्तान जाता है। कोई नहीं पूछता कि भाईजान अफगान बॉर्डर पे जाके कोई नहीं पूछता कि हजूरे वाला ये खाली कंटेनर कहां से आ रहा है। खाली कंटेनर को चेक करेंगे तो ये कह देंगे कि भाई जी आबो हवा लेके जा रहे हैं। अब ये सारी सूरतें आ जाने के बाद मुंह से बेसाख्ता निकलता है ना कि कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि FBR को स्मगलिंग की मद में कमोबेश 500 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। अगर आप सीरियस हैं तो खुदा के लिए देखें, और ये कोई बड़ी साइंस नहीं है कि आप इसको रोकना चाहते हैं, स्मगलिंग को रोक नहीं पा रहे। मैं कहता हूं यही जो कंटेनर खुलता है, इस कंटेनर को आप ई सील लगा दें, एक इलेक्ट्रॉनिक सील है जो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा ताला है, उस पर RFID चिप लगी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है, आप वो अगर जहां पे खुलेगा आपको पता चल जाएगा, और वैसे भी वो कंटेनर कहां का मूव कर रहा है आप कहीं में होगा, आप कहीं पर भी बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे खुलेगा बीप हो जाएगा पता चल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। वो कितने का होगा, $500 $1000 कितने का होगा, जहां पे आपको 56 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 1 लाख रुपए की अगर उसमें सील लग जाती है तो ये क्या कौन सी बड़ी खेल है, नहीं कर रहे हम। यार तू चिप लगा के देख ले, बड़े कारीगर लोग ने चिप ने आप थोड़ी देर बाद चिप चिप करना शुरू कर दिया। सूरत हाल बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। सिर्फ ये जो मसाले है ना, उनकी जो ड्यूटी की मद में नुकसान हो रहा है ना पाकिस्तान को, वो $42 करोड़ हो रहा है, $42 करोड़ सिर्फ अगर हम ड्यूटी लगा दें। अच्छा फिर ये भी एक अजाब है, एक तो आपका मतलब ड्यूटी इतनी हाई है कि एक जो स्मगलर है वो अफगानिस्तान में जाके 5% ड्यूटी देता है, और जो पाकिस्तान में बैठा हुआ इंपोर्टर है उसको 33% ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप वाकई स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, एक तो ये एकदम आप करें, और दूसरा खुदा के लिए आप ड्यूटी की शरह कम करें ताकि लोग दे सकें। जो हम टैक्सों पर भी बात करते हैं, इनकम टैक्स पे, सेल्स टैक्स पे, कि लोगों को ये जो इतनी ज्यादा शरह है ना टैक्स की, ये टैक्स चोरी पर मजबूर करती है, स्मगलिंग पर मजबूर करती है। अगर वाकई आप कॉम्पिटेटिव होना चाहते हो तो इस 33% को अगर आप 15% कर दो तो 5-7% तो उसको भी देना पड़ रहा है ना स्मगलर को, तो आप अगर 10-15% कर दोगे तो उसके लिए स्मगलर के लिए आपको कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ यार इनको पता भी है, समझ भी है, इसको कहते हैं अख्यात। मुंह से बेसाख्ता निकलता है ना कि कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि FBR को स्मगलिंग की मद में कमोबेश 500 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। अगर आप सीरियस हैं तो खुदा के लिए देखें, और ये कोई बड़ी साइंस नहीं है कि आप इसको रोकना चाहते हैं, स्मगलिंग को रोक नहीं पा रहे। मैं कहता हूं यही जो कंटेनर खुलता है, इस कंटेनर को आप ई सील लगा दें, एक इलेक्ट्रॉनिक सील है जो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा ताला है, उस पर RFID चिप लगी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है, आप वो अगर जहां पे खुलेगा आपको पता चल जाएगा, और वैसे भी वो कंटेनर कहां का मूव कर रहा है आप कहीं में होगा, आप कहीं पर भी बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे खुलेगा बीप हो जाएगा पता चल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। वो कितने का होगा, $500 $1000 कितने का होगा, जहां पे आपको 56 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 1 लाख रुपए की अगर उसमें सील लग जाती है तो ये क्या कौन सी बड़ी खेल है, नहीं कर रहे हम। यार तू चिप लगा के देख ले, बड़े कारीगर लोग ने चिप ने आप थोड़ी देर बाद चिप चिप करना शुरू कर दिया। सूरत हाल बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। सिर्फ ये जो मसाले है ना, उनकी जो ड्यूटी की मद में नुकसान हो रहा है ना पाकिस्तान को, वो $42 करोड़ हो रहा है, $42 करोड़ सिर्फ अगर हम ड्यूटी लगा दें। अच्छा फिर ये भी एक अजाब है, एक तो
आपका मतलब ड्यूटी इतनी हाई है कि एक जो स्मगलर है वो अफगानिस्तान में जाके 5% ड्यूटी देता है और जो पाकिस्तान में बैठा हुआ इंपोर्टर है उसको 33% ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप वाकई स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं एक तो ये एकदम आप करें और दूसरा खुदा के लिए आप ड्यूटी की शरह कम करें ताकि लोग दे सकें। जो हम टैक्सों पर भी बात करते हैं इनकम टैक्स पे सेल्स टैक्स पे कि लोगों को ये जो इतनी ज्यादा शरह है ना टैक्स की ये टैक्स चोरी पर मजबूर करती है स्मगलिंग पे मजबूर करती है। अगर वाकई आप कॉम्पिटेटिव होना चाहते हो तो इस 33% को अगर आप 15% कर दो तो 5-7% तो उसको भी देना पड़ रहा है ना स्मगलर को। तो आप अगर 10-15% कर दोगे तो उसके लिए स्मगलर के लिए आपको कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी आंटी सारा कुछ यार इनको पता भी यार समझ भी है इसको कहते हैं अखी वेख के मक्खी खाना। अजनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रही।